यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये शायरी आज भारत के लिए सटीक बैठ रही है। तारीख थी 14 जुलाई, जिस दिन विश्व भर की नज़र भारत पर थी। क्यों भारत पर नज़र थी, इसको भी बताएंगे। लेकिन आज हम आपको उस महिला के बारे में बताएंगे जिनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आखिर वो कौन है रितु करिधाल, जिनको चंद्रयान 3 को चांद पर उतरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। किस जगह से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किस किस मिशन में हिस्सा ले चुकी हैं, रितु करिधाल से जुड़ी सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रितु करिधाल को अपनी पढ़ाई के दौरान ही अंतरिक्ष में काफ़ी रुचि थी, इसीलिए उन्होंने इसी में अपना भविष्य तलाश करने की कोशिश की और आज सफलता की बुलंदियों को छू रही हैं। रितु करिधाल को उनकी काबिलियत और उपलब्धियों ने एक बड़ी साइंटिस्ट बना दिया, जिसके चलते उनको भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। रितु करिधाल ने लखनऊ से ही पढ़ाई की और फिजिक्स में MSc भी की, जिसके बाद बेंगलुरु के इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट का रुख किया, जहां अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने महारत हासिल की। रितु ने कड़ी मेहनत की, जिसके चलते उनको ISRO में नौकरी मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि 2007 में उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम युवा वैज्ञानिक पुरस्कार समेत कई पुरस्कार उनकी झोली में है। ये कोई अमीर घरानों से नहीं है बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार से है। इनका जन्म 1975 में हुआ था। डॉक्टर करिधाल ने नवंबर 1997 से इंजीनियर के तौर पर ISRO में काम करना शुरू किया। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।